बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस ने अब राष्ट्रव्यापी विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग जगहों पर, शहरों पर, पेट्रोल पंप के सामने, विभिन्न जगहों पर कांग्रेस सांकेतिक प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो महंगाई है के नारे लगाए और तख्ती लिखकर पेट्रोल पंप के सामने टांग दिया। वहीं सोमवार को राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेवर ने कुछ अलग अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बैलगाड़ी में सवार होकर महापौर ढेवर अपने घर से निगम मुख्यालय के लिए रवाना हुए। महापौर ढेवर ने एक साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित प्रदर्शन किया, साथ ही साथ वहाँ पार्षद भी मौजूद थे। निगम मुख्यालय पहुँचने के बाद विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई को लेकर की बात कही। बता दें कि महापौर ढेवर ने बैलगाड़ी में बैठकर विरोध किया है, जिस पर हमारे संवाददाता रोहित बर्मन ने उनसे खास बातचीत की। नारायण मोदी, नारायण मोदी। सड़क के लेकर सदन तक के हम यह लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज राजधानी रायपुर के महापौर अनोखे रूप में प्रदर्शन करने निकले हैं। देख सकते हैं पीछे ये बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी में बैठकर आज बढ़ती हुई महंगाई का लगातार विरोध करने के निकले हैं। महापौर इससे पहले भी अनोखे रूप में प्रदर्शन करते आए हैं और इसके अभी वर्तमान में जिस प्रकार से महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उसको लेकर यहाँ पे आज यहाँ पे जो है महंगाई का विरोध करने के लिए देख सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस नेता हैं, नगर निगम के जो लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे अभी बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पे विरोध जो किया जा रहा है उस चीज़ को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी है जो प्रदेश भर में इसी प्रकार से विरोध करती आई है। और वर्तमान में कोई गैस सिलेंडर रख के विरोध किया जाए या फिर कैसे भी, महापौर जी हैं उनसे बात करते हैं। महंगाई का विरोध करने निकले हैं आज बैलगाड़ी में। हाँ देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से आज आसमान छू रहे हैं, 3 डिजिट पहुंच गया है। सरकारें बहुत सारी आई और गई मगर कभी भी पेट्रोल और डीजल का दाम 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं हुआ। मगर ये जो नरेंद्र मोदी की जी की सरकार है, आज देखिए लोग वैसी कोरोना की मार झेल रहे हैं, लोग महंगाई की मार वैसी झेल रहे हैं, ऊपर से ये और उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपया 106 रुपया करना, ये कहाँ तक के न्याय है। आज हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी और सभी पार्षदगण ऐसी मेंबर आज हम लोग बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे चल के हम लोग पेट्रोल और डीजल के लिए हम लोग पैसा अफोर्ड कर सकेंगे। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें 100 साल पीछे ढकेल दिया है और हम लोग अब बैलगाड़ी की और घोड़ा गाड़ी की हम लोग आदत डाल रहे हैं, जिसमें हमारे को आदत बने रहे कि बैलगाड़ी कैसे चलाना है और घोड़ा गाड़ी कैसे चलाना है। पिछले एक महीने से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है इस चीज का, लेकिन पेट्रोल के दाम अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में 100 के पार। देखिए मैंने बोला ये सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में यह प्रदर्शन चल रहा है और सड़क के लेकर सदन तक के हम यह लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब तक के पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो जाते, हमारी यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी को इस पेट्रोल और डीजल के दाम में उनको झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन में उनको झुकाया, उस तरीके से हम पेट्रोल डीजल में भी उनको झुकाएंगे। तो राजधानी रायपुर के महापौर देखिए यहाँ पे विरोध करने निकले हैं और बैलगाड़ी में किस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता भी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, और साथ ही आज यहाँ पे लगातार इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, महंगाई का विरोध किया जा रहा है। दिखाते हैं पूरी तरीके से किस प्रकार से, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में अब जो साफ तौर पर ये बात है कि जो बैल अब आने वाला जो समय है, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में अब लोगों को एक यही जरिया बन गया है कि वापस वो पुरानी पद्धति जो पहले चला करती थी कि बैलगाड़ी में लोग चला करते थे, उस हिसाब से अब फिर से चलने की जो नौमत है एक बार फिर से आने वाली है। उसी को रूप में सांकेतिक रूप से जो आज है यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महापौर एजाज ढेवर के द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, अब लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या ये जो विरोध प्रदर्शन की जो आग है, विरोध प्रदर्शन की जो गूंज है, कब केंद्र सरकार के कानों पे जाती है और जो महंगाई है का, महंगाई के कम होने का जो सिलसिला के कर कब से शुरू होता है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ रोहित बर्मन, टीसीपी न्यूज रायपुर। टीसीपी 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।